माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज है आज फर्स्ट क्लास है एक्सेल का, तो कुछ इसकी इंट्रोडक्शन आप लोगों को हम बता देते हैं कि एक्सेल है क्या और सबसे पहली है और क्या होता है, इसका क्या वर्क है, और उसके बाद हम आपको फिर आपको एक्सेल ओपन करने के लिए बताएंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कितने तरीके से इसे ओपन किया जाता है और कौन सी विंडोज में कैसे ओपन होगा और कहाँ पे एक्सेल रहते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज़ें हम एक्सेल के बारे में अगर क्लास कर रहे हैं तो सबसे पहले एक्सेल होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहली चीज है एक्सेल में हम किसी का जैसे कोई रिपोर्ट बनानी है या किसी का हिसाब या जो भी है फार्मूला लागू करना है, प्लस करनी है, माइनस करनी है, चाहे जो भी करनी है आपको यहाँ से आप इसमें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज यहाँ पे है और इसमें किसी का हमने नाम लिख दिया और फिर यहाँ किसी का मार्क्स या जो भी क्वांटिटी है, जो भी आप जो चीज का बिजनेस किए हैं वो सारे चीजें जो भी मेनू अवेलेबल है यहाँ डाल देंगे, इसमें सीरियल नंबर हो जाएंगे और यहाँ आपको जो भी नेम है यहाँ कस्टमर नेम डाल देंगे, यहाँ आपकी अगर मार्क्स बना रहे हैं तो यहाँ पे आप विषय डाल दीजिए मैथ इंग्लिश जो भी है और यहाँ पे मार्क्स डाल दीजिए। नीचे टोटल कैलकुलेट करनी है तो नीचे डाल दीजिए या इधर करनी है तो इधर डाल सकते हैं। तो ये रहा मेरा कैलकुलेशन, यानी फाइनेंस अगर करना है जो भी है फाइनेंस होता है या लोन होता है वो सारे चीज़ें हमारे एक्सेल पे ही बनता है, या किसी तरह से किसी की सैलरी बनानी है वो भी एक्सेल पे ही बनता है, कैसे किसी का कितना परसेंटेज बढ़ा हर साल पे हर ईयरली बढ़ता है, सरकारी जॉब वाले या प्राइवेट जॉब वाले भी कितना ईपीएफ कटा, ये सारे चीज़ एक्सेल के वर्किंग पेज पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्किंग पेज नहीं बोला जाता है, यहाँ आपको बोला जाएगा सीट, वन सीट टू सीट, जैसे ये मेरा वन सीट हुआ, ये मेरा टू सीट हुआ, यहाँ थ्री सीट, यहाँ पे आप प्लस कीजिएगा तो फोर सीट, ऐसे ही प्लस करते जाइए, जितना भी आप प्लस करेंगे उतना आपको क्या होंगे ये सीट बढ़ता चला जाएगा। और पहले हम लोग इसको वर्किंग पेज के नाम से जानते थे लेकिन अब ये सारे सेल हो गए, इसको हम बोलेंगे सेल, और ये टोटल जितने भी सीट हो गया वन सीट टू सीट थ्री सीट फोर सीट फाइव सीट, जितने भी सीट लेनी है उतने भी आप यहाँ से आप सीट ले सकते हैं। इसमें किसी तरह से किसी को डाउट, और ये तो पिछले क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसको हम बोलते हैं टाइटल बार और इसको बोलते हैं मिनिमाइज, तो ये छुपता कहाँ है, ये हमारे टास्क बार में छुपता है। फिर यहाँ जाएंगे लेफ्ट बटन क्लिक करें फिर आ जाएगा, ये होता है रीस्टोर डाउन यानी छोटा करना, ये फिर हो जाएगा चेंज हो जाएगा इसका नाम होकर मैक्सिमाइज यानी ये 12 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपको क्लोज हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, यहाँ से आप इसको बंद कर दीजिए फिर यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे। तो ये रहे इसके कुछ इंट्रोडक्शन और इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानते हैं, और यहाँ से हम क्लोज कर देंगे और कोई भी नाम लिखेंगे, जैसे फाइल नेम से हुआ था, यहाँ बुक वन दिखा रहा है ना, यहाँ पे वो सेव हो जाएगा तो वहाँ पे उसका नाम दिखाएगा। जैसे मान ली कि मुझे यहाँ पे लिखनी है सादा दास, सादा दास सेव कर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा सादा दास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ऐसे करके आप इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो भी दिया हुआ है यहाँ से आप नाम जो भी चेंज करेंगे वो यहाँ पे आपका नामकरण आपको दिखाएगा, जैसे सादा दास हुआ तो सादा दास दिखाएगा, जैसे कमल नाम से आप सेव करते हैं तो कमल, जैसे आप लोगों को नोटपैड पर आए थे वर्ड पैड एमएस पेन एमएस वर्ड अब एमएस एक्सेल आप लोग पढ़ रहे सेम उसी तरह है, इस नाम से अगर फाइल को हम चेंज करते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। अब चलते हैं हम इसको तो टास्क बार बोलते हैं, ये सारे इसको हम स्क्रॉल बटन बोलते हैं,
इसको पेज को जूमिंग इधर उधर करनी है तो आप कर सकते हैं। और अब चलते हैं हम थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी क्लास ज़्यादा टाइम लैप्स ना होते हुए, बाकी आप क्लास करते करते आपको उस चीज़ की आदत पड़ जाएगी और आपको दिमाग में भी बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो इस पे जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन हमने क्लिक किया तो यहाँ पे क्या खुला, न्यू ओपन सेव सेव एज, और यहाँ पे आपको प्रिंट और प्रिपेयर और सेंड और पब्लिश और क्लोज। तो ऐसे करके आपको ये सारे एक एक करके टूल्स को हमने आपको पढ़ाए थे वर्ड में, जो कि आप वीडियो देखे होंगे, वर्ड के टोटल वाच किए होंगे तो टोटल का टोटल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं देखे होंगे, नहीं वाच किए होंगे तो आप टोटल वीडियो देख लीजिए, थोड़ी सी टाइम लगेगा फिर के आपको बेस्ट समझ में आएगा। नहीं देखिएगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको दिक्कत होगी, तो फिर कहिएगा सर हमें समझ में नहीं आ रही है। तो ये आपकी तरफ से कमी है, इस पर आप लोग केयर कीजिए और इस बीमारी को आप सुधार के लिए कि वीडियो देखने की कोशिश जरूर करें। और कभी भी वीडियो एक साथ सुधारने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि एक वीडियो एक दिन में ही देखें और उसे हम लैब करें। तो ये रहा मेरा, अब चलते यहाँ पे न्यू। जैसे जाएंगे माउस का लेफ्ट बटन हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो मेरा यहाँ से न्यू के लिए इस तरह से ऑप्शन आएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करनी है, क्रिएट मतलब बना तो न्यू आ गया। तो ऐसे करके न्यू आप बना सकते हैं। न्यू का मतलब होता है कि न्यू पेज लेने के लिए न्यू ऑप्शन का हम उपयोग करेंगे। आ गया, तो हमने ये दो हमने खोल लिया और खोलनी है शॉर्टकट किसे कीजिएगा तो ये वाला ऑप्शन आपको नहीं आएगा, डायरेक्ट न्यू हो जाएगा। चलिए हमने करके दिखाते अभी तो है, चलिए कंट्रोल प्लस ए, तीन हो गया, देखिए कैसे होगा। अब देखिए तीन दिखाने लगा ना, बुक वन बुक टू बुक थ्री ऐसे करके। तो ये रहा मेरा शॉर्टकट तरीके से खोलने का, जैसे कंट्रोल दाबकर कंट्रोल दाबे रहेंगे और एन को दाबेंगे एक बार तो न्यू खुलेगा, जितना बार एन को दाबेंगे उतना मेरा न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुलेगा। अब हम चलते हैं ओपन, जो पहले से सेव किए हुए हैं उस फाइल को हम कैसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ओपन पे क्लिक कर दिए, क्लिक। अब ये फाइल कहीं से रखे, जैसे मान लीजिए इस फाइल हम रखे हैं, इसको जाएंगे और ओपन कर देंगे तो यहाँ से ओपन हो गया। तब यहाँ पे थ्री फाइल थे ओपन, अब थ्री फाइल में एक फाइल पे हमने ओपन कर दिए वन वाला पे, तो वन वाला की जगह पे ये फाइल आ गया। देखिए ये है रोहित सिंह वीरेंद्र सिंह 90196 इतने और इतने, ये मोबाइल नंबर हुए, ये सारे चीज डाटा बना हुआ है। तो ये सारे चीजें क्या है, आपके डाटा है, जैसे नीतू कुमार है, नीतू कुमारी है, राजदेव सिंह है, तो ये सारे चीज़ ये डाटा बनी हुई है। ये डाटा आप यहाँ से ओपन का मतलब होता है, जो आप फाइल सेव किए हुए वो फाइल को आप ओपन के माध्यम से आप ओपन, जैसे छाया कुमारी, जैसे छाया दिया हुआ छाया एक दो तीन, तो छाया एक दो तीन वाला फाइल में इस तरह के खुला हुआ, तो जैसे जो बना रहेगा वैसे को हम पहले से जो सेव किए हैं उस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। सेव का मतलब होता है इसे आप सेव कर सकते हैं, किस लोकेशन पे आपको सेव करनी है, एक लोकेशन है। जैसे मुझे सेव करनी है, जैसे यहाँ पे फेवरेट में जानी है, डाउनलोड पे जानी है, जोन सा, जैसे घर में होती है ना जगह, जगह बोले तो जैसे आपके दो या तीन घर होंगे या किसी के पास दस घर होंगे, सब होता है ना कि ये फलाने घर है, ये वाले बगल वाले घर है, ये शायद सबका लोकेशन रहता है। जैसे कोई कहेगा बीच वाले घर जिसके बाद तीन घर है, तो बीच वाला तो इसमें इतनी सारी घर ही इस तरह को समझ लीजिए, तो कहेगा बीच वाले घर में यह फाइल रख लेना, तो बीच वाले में जाके रख दीजिएगा। और कभी भी भविष्य में उस फाइल को लेनी हो
तो बीच वाले ही घर में जाके खोजने पे मिलेगी। ये नहीं है कि दोनों बगल वाले घर पे खोजेंगे तो मिलेगा, तोड़ भी दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए वो बीच वाले घर में रखे, तो बीच वाले घर को तोड़िए या खोजिए तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उसी तरह आप एक सब घर डाउनलोड रिसेंट पैलेस लाइब्रेरी डाउनलोड फिर फेवरेट, तो ये सारे चीजें हैं घर है आपकी। इस लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क ई, आपकी इस वाले घर पे आप रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिस वाले घर पे आप रखना चाहें उस वाले घर पे आप जाइए, वहाँ पे जैसे मुझे डाउनलोड में रखनी है, डाउनलोड पे चलेगा और डाउनलोड जो घर है उसको तो ओपन करेंगे ही, करेंगे कि नहीं करेंगे, ओपन तो जरूर करेंगे। तो ओपन करने के लिए या तो लॉक है तो उसकी चाबी खोलेंगे, या नहीं लॉक है तो कुंडी तो लगा होगा, तो उस कुंडी को खोलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नहीं तो गेट सटाया होगा, तो गेट को ओपन करने के लिए अपने लैंग्वेज में सीख लीजिए। गेट को ओपन करने के लिए वहां जाएंगे और इस गेट को खोलेंगे तो खुल जाएगा, लेकिन उसको हाथ से खोलेंगे तो खुल जाएगा। लेकिन इसे खोलने के लिए अगर उसमें लॉकेट नहीं है तो खुल जाएगा, अगर इसे खोलने के लिए हम जाएंगे वहां पे डाउनलोड पे जैसे चले गए उस घर के पास चले गए, उसे मुझे खोलनी है तो वहां जाएंगे और माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। माउस के मैंने यहाँ पे लेफ्ट बटन क्लिक कर दिया, खोल गया। अब उसके बाद फाइल नेम देंगे किस नाम से उसे मुझे सेव करनी है, तो मुझे उसे सेव करनी है जैसे मान लीजिए रोहन नाम से डाउनलोड में मैंने इसे सेव कर दिया, सेव हो गया। तो इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है लेकिन यार रोहन नाम दिखाने लगा। अब चलते हैं इसमें थोड़ी सी जैसे मान लिए कि यहाँ पे रूपेश थोड़ी सी नाम लिख देते हैं ना, ताकि लगेगा हाँ इस फाइल में कुछ है, जैसे सुरेश काका मामा चाचा दादा, ऐसे करके हम क्या करेंगे फाइल को ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हमने ये सारे चीजें नाम लिख दिए और फिर से इसको उसमें सेव कर दिए, तो एक कमल नाम से सेव होगा, इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसी फाइल को ओपन करने के लिए हम जाएंगे और कहाँ सेव किए थे डाउनलोड में, तो डाउनलोड पे जाएंगे और फिर उसे हम गेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन करके अब रोहन नाम से सेव किए थे रोहन पे जाएंगे, लेफ्ट बटन क्लिक कर फिर ओपन पे लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, खुला ना। तो ऐसे हम किसी चीज को सेव करके हम ओपन कर सकते हैं, सेव रहा ये। अब चलते हैं कि सेव एज है क्या, तो सेव एज सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी फाइल लिख कर उसे उसमें सेव किया हो और उस फाइल को मुझे ओपन करके कुछ एडिटिंग या कुछ चेंजिंग करनी है, जैसे मान लीजिए इसमें हमने लिख दिया टाटा और इसमें लिख दिया मोहन, दो नाम हमने ऐड किया, और मुझे दूसरे फाइल नेम से सेव, जैसे रोहन नाम से है, दूसरे फाइल नेम से मुझे सेव करनी है तो सेव एज पे जाएंगे माउस का लेफ्ट, फिर डाउनलोड में मुझे करें डाउनलोड पे जाएंगे क्लिक कर लें, अब दूसरा नाम यहाँ दे देंगे सूरज, लिख दिए सूरज और सेव कर देंगे, तो ये दो नाम दूसरे नंबर सेव में हो गए। ऐसे हम सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह आपको प्रिंट आपको पढ़ाए गए हैं, प्रिंट करनी है तो आप जाइए और इस पे क्लिक कीजिए कौन सी प्रिंटर है, यहाँ से लेके मेरे पास 10 पीस है, 10 पीस रखेंगे। ऑल पेज को आपको प्रिंट करनी है तो ऑल पे टिक कीजिए, और सिर्फ पेजेज को क्लिक करनी है पेज को तो सिर्फ पेज को, और फिर मान लीजिए कि सिलेक्शन करना है तो कौन कौन पेज करना है उसको सिलेक्शन कीजिए, इंटर द वर्किंग वर्कबुक करनी है तो वर्कबुक कीजिए, तो जो मुझे ऑल करनी है तो ऑल पे जाएंगे, और उसके बाद कई कॉपी चाहिए, 10 कॉपी चाहिए, 20 कॉपी चाहिए, 200 चाहिए, 100 चाहिए, जितने कॉपी चाहिए उतने कॉपी आप कर दीजिए, यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। पेजेस का मतलब होता है मुझे दो पेज से हमको 10 पेज चाहिए,
बाकी हमको एक वाला पेज दो, यहाँ पेजेज हो गया, कई को पेज यहाँ डाल दीजिए। सिलेक्शन का मतलब होता है कि कौन कौन पेज चाहिए, मुझे एक नंबर पेज चाहिए, दो नंबर चाहिए, हो गया जै जै नंबर चाहिए वो आप कर दीजिए, और कई कॉपी चाहिए यहाँ प्रिंट कर दीजिए। तो ये रहा मेरा प्रिंट। अब चलते हैं प्रिंट के अलावा क्विक प्रिंट, यानी सब सेटिंग एकदम फास्टली प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ क्या, इसमें सूरज नाम से फाइल है, इसे डिलीट कर दें तो जब भी प्रिंटर लगाएंगे तो प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसे हम डिलीट कर दिए। अब हम देखते हैं आगे इसमें दिया क्या है। अगला दिया गया है इसे प्रिंट प्रीव्यू, कोई काम कर लेते हैं उसको हमको देखना था कि कैसा मेरा प्रिंट आएगा, अगर कोई दिक्कत है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू प्रिंट आपको बता दें, पेज सेटअप करनी है तो पेज सेटअप पोर्ट्रेट करनी है, अगर पेपर को ऐसे करनी है तो ऐसे कर सकते हैं, मुझे ऐसे ही रखनी है तो ऐसे 100% पर रखनी है तो 100% पर एक्सेल रखो, नहीं तो ज़्यादा बार तो ज़्यादा लेटर रखनी है, या A4 रखनी है तो A4, जो पेज रहना DPI कितनी रखनी है आपके ऊपर है, मार्जिन कितना रखना है, मार्जिन देख लीजिए टॉप लेफ्ट राइट में आपको लेफ्ट में कितनी बार आने देख रहा है, चौथाई छूट रहा है ना, कम करनी है तो आप कम कर लीजिए, उसी तरह राइट में है, उसी तरह हेडर में है, उसी तरह आपको टॉप बॉटम में है, जितना भी आपको करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसी तरह हेडर फुटर है, हेडर फुटर में देनी है तो नाम या आपको पेज नंबर लगाना है तो लगा सकते हैं, सीट में लगानी है तो सीट में आप दे सकते हैं। तो ये रहा मेरा पेज सेटअप। और जूमिंग आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ से जूमिंग आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से देखिए जूमिंग बढ़ान, फिर यहाँ से कम हो रहा है, एक बार कीजिए बढ़ेगा, एक बार कीजिए कम कीजिएगा। अब यहाँ पे पेज नेक्स्ट पेज और फिर व्यू पेज, पहले शो मार्जिन तो फिर दोनों बता, शो मार्जिन देखिए कितना मार्जिन ये बता देगा, क्लोज का मतलब क्लोज प्रिंट प्रीव्यू हो जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन के लिए इसको क्लोज करके प्रिंट पेज को क्रिएट करनी पड़ेगी। क्लोज कर दिए मैंने, इस पेज को क्रिएट करने के लिए कंट्रोल प्लस इंटर दाब कर, या फिर इसको आप यहाँ से दाब सकते हैं, और बहुत सारे चीज़ें हैं आपको लिखने। चलिए हम देखते हैं हम वहां पे क्या होता है। चलिए हाईलाइटेड हो गया ना, तो यहाँ से 8 नंबर पेज हो गया, ये अलग कीजिए, तो मैंने आ गया 7 नंबर, 8 नंबर पेज चलेंगे पीछे। तो ये रहा मेरा पेज भी क्रिएट करके बता दिए, सारे ऑप्शन एक एक करके बता रहे हैं ना, आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग को जरूर समझ में आएगा, ऐसा ना ये कि नहीं आएगा समझ में। अब चलते हैं प्रिपेयर, आपको बताए थे पिछले वीडियो में देख ले, इस सारे चीज़ बताएं फिर देख बताएंगे यहाँ पे तो आप ही लोग को लेट होगा, सब चीज़ बता दिए। क्लोज मतलब क्लोज हो जाता है, जैसे मान लीजिए इस क्लोज से होगा उसी तरह उस क्लोज से भी होगा, इसमें भी मैंने सेव कर दिया और उसमें भी सेव कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पे होम, होम टैब, इंसर्ट टैब, यहाँ पे इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डाटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। तो सबसे पहले चीज़ें हैं, मैं होम टैब के बारे में बात करते हैं, तो होम टैब होता क्या है। तो सबसे पहले चीज़ें मैं यहाँ पे कुछ लिखा, जैसे मान लिया कि यहाँ पे हमने दादा लिखा, अब इसको मुझे कॉपी करनी है, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे, सेलेक्ट पहले करेंगे, यहाँ से ये कट हो जाएंगे, और इसके नीचे कॉपी दिया, कॉपी कर दिया, मुझे यहाँ पेस्ट करनी है तो पेस्ट कर सकते हो रन। अब मुझे मान लीजिए इसे कट करनी है, सबसे पहले चीज़ें सिलेक्शन करना एकदम ज़रूरी है, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले चीज़ अब इसे कट करना, यहाँ से कट हो गया, अब जहाँ रखना हो पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट हो जाएगा। अब होते हैं इसमें फॉर्मेट प्रिंटर क्या है, जैसे मान लीजिए ये वाले को हमने यहाँ से जूमिंग थोड़ी सी क्या की, इसको थोड़ी सी साइज को हमने बढ़ा देते हैं, यहाँ से बढ़ रहा है ना, और इसे थोड़ी सी सज गया।
और उसके बाद इसको हम ले लेते हैं दूसरे फंड में यूज कर लेते हैं। देखो कैसे हो गया। चलो ये वाले हो गए ना, इसको थोड़ी सी हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ी सी इटालिक कर, थोड़ी सी कलर कर देते हैं, ऐसे हो गया मेरा मोटा पतला, और इसे ये फॉर्मेट हो गया। अब इसी तरह इसको बनानी है, तो फिर एक एक कलर करेंगे तो टाइम लगेगा, तो फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे, इस पर क्लिक करके उठा कर इसको पेंट कर रहे हैं। हो गया, इसको तो इसे बड़ा कर रहे हैं, ये मेरा फॉर्मेट प्रिंटर की काम है। अब हम चलते हैं पेस्ट, जैसे मान ली तो मुझे इसे कॉपी करनी है, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, अब इसको मुझे पेस्ट करना है। अब पेस्ट फॉर्मूला करनी है कि पेस्ट क्या करना है, तो सिर्फ पेस्ट करनी है, मुझे पेस्ट कर दिया। उसके बाद पेस्ट वैल्यू करना है, डिजिट रहेगा तो वैल्यू, नो बॉर्डर करनी है तो नो बॉर्डर करनी है। तो आज की एक्सेल इतना ही रहने दीजिए, नहीं तो ज़्यादा होगी फिर बाउंस करेगी, फिर धीरे धीरे समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको बाउंस करेगा। तो आज के लिए इतना ही, और कल हम बताएंगे ये सारे ऑप्शन का एक एक करके। तो जय हिंद जय।